अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, नए साल के आगाज के साथ ही आज पार्लियामेंट और सेनेट का सेशन हुआ। सेनेट सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने तलखियों को खत्म करते हुए मामलात को हल करने और मुल्क को बेहतरी के लिए तमाम इदारों और अपोजिशन को साथ चलने का कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मामलात दुरुस्त ना किए तो मुस्तकबिल हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी साहब ने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लिमानी सिस्टम की मुअत्तली का उन्होंने बड़ा शिकवा किया और कहा कि आईन मौजूद भी है और मुअत्तल भी, आईन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो पार्लियामेंट और इदारों का फाल होना किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है। नाज़रीन, ये सवाल जो है ये बड़ा मस्त उठाया जाता है कि क्या सियासतदान इस नए साल में पिछले तजुर्बात से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे, और क्या वो इन तमाम मामलात जिन पर ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर फैसले करने हैं उनमें एक दूसरे के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करते नजर आएंगे या नहीं। हम आज अपने शो में इस बात को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, और दूसरा हम बात करेंगे कि साथ ही नए साल में वो कौन से ऐसे अहम इकदाम हैं जिन पर के फौरी तवज्जो की जरूरत है, जिनमें के अवामी मसाइल हमारे सामने है। सबसे बड़ा अवामी मसला इन्फ्लेशन यानी महंगाई का है। महंगाई वो अहम इशू जिस पर के अवाम को रिलीफ मिलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि क्या किसी रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है या हालात पहले जैसे ही इस साल भी चलते नजर आएंगे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त 2020 में 16 खरब से जायद के गर्दिशी कर्जों के साथ जो है आगाज कर रही है इस साल का और इस नए साल में दाखिल होती नजर आ रही है। अब नए साल के पहले दिन ही हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए पर लीटर का इजाफा होता है। LPG की बात करें तो 24 रुपए, बिजली की कीमत में 1.56 रुपए पर यूनिट का इजाफा हो चुका है, जबकि कराची के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए तक इजाफे की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वजीर आजम इमरान खान हमें आज कहते हुए नजर आते हैं पहले साल के पहले दिन, वो कह रहे हैं कि पिछला साल बड़ा मुश्किल था, अवाम को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, लेकिन अब माशी इस्तेकाम की जानेब हम गामजन हैं। हम इस तमाम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, डिबेट करेंगे कि वजीर आजम जो हमें उम्मीद दे रहे हैं इस साल के लिए वो कितनी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी, या इसको सिर्फ हम लफ्जी जो है उम्मीद ही समझें। बहरहाल, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल इन द शो। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल हयात खान साहब, एडवाइजर टू CM पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सीनियर इकोनॉमी एनालिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने आज का पहला साल और पहले दिन का रन डाउन जो है सुना, हम देख रहे हैं कि जो आज का पहला दिन है नए साल का, उसके आगाज में ही पेट्रोल की प्राइस हमारे सामने है 2.61 रुपए ऊपर जा चुकी है। साथ ही साथ हमने जैसे बिजली की प्राइस हाइक की भी बात की है, लेकिन हम पहले आप लोगों को सुनवा दें कि एट द सेम टाइम हमें वजीर आजम क्या उम्मीद दिलाते नजर आ रहे हैं आज के अपने खिताब में। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट, देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। आज क्योंकि फर्स्ट है, 2019 हमारा मुश्किल साल था, कौमों की जिंदगियों में मुश्किल साल आते हैं, अल्लाह का करम है कि हम कामयाब हो गए स्टेबल करने के लिए अपना मुल्क। बीच में साल के बीच में बड़ा मुश्किल वक्त आया था जबकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे नहीं, और हमारा रुपया जब गिरना शुरू हुआ तो हो सकता है कि वो रुपया फ्री फॉल में चला जाता। बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारा रुपया स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया इकॉनमी के अंदर, रिजर्व्स बिल्डअप शुरू हुए, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे लगे हैं। बड़ा मुश्किल 2019 था, इकॉनमी तो स्टेबल हो गई लेकिन हमारी आवाम को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। बेरोजगारी, चीज़ें महंगी हो गई, चीज़ें महंगी इसलिए हुई कि जब रुपया गिरा तो जो भी बाहर से हम चीज़ें खरीदते थे वो महंगी हो गई, और उसकी वजह से ख़ास तौर पे पेट्रोल, डीजल, बिजली, और फिर जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, घी, खाने पीने की चीज़ें, वो महंगी हो गई। कई इसलिए कि होर्डिंग शुरू हो गई, जब महंगाई आती है तो लोग होर्ड करना शुरू कर देते हैं, उससे भी कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो आने वाला साल है, मैं तो वैसे ही ऑप्टिमिस्ट हूँ,
मैं तो हमेशा समझता था जब क्रिकेट ग्राउंड पर कदम रखता था कि मैच जीत जाऊंगा, वो और बात है कि बड़ी दफा मारें पड़ती थी लेकिन समझता था जीत जाऊंगा। जैसा कि आपने वजीर आजम की आज की गुफ्तगू सुनी, अगर आप हमें इजाजत दें तो फैसल हयात खान साहब आपकी जानिबी आ जाते हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि हम पहले अपने एनालिस्ट का व्यू लें फिर हम आपकी जानिब आए, लेकिन आप अब बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए का इजाफा हमारे सामने है, नई कीमत नई जो प्राइस है वो तकरीबन अब पेट्रोल 116 रुपए जो है वहां पर पहुंच गया, डीजल में 2.87 रुपए का इजाफा हुआ है, फिर इसके और 127 रुपए टोटल प्राइस हो जाएगी अब डीजल की। मिट्टी का तेल जो कि एक बेसिक है वो उसमें भी 3 रुपए का आपने इजाफा कर दिया है, 100 रुपए का वो अब हो गया है। तो ये क्या हुकूमत को कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर डालना चाहिए था जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसते नजर आ रहे हैं? साल का पहला दिन और ये तमाम हाइक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि ये 2020 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी है, तो मैं समझता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस साल पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लेके आए, अमन आए और बेहतरी आए। लेकिन जिस सवाल का आपने आज आगाज़ किया वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पहले ही दिन जो है ऑयल की प्राइसेस को इंक्रीज़ हो जाएं तो ये मुनासिब बात नहीं, लेकिन असल बात ये है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसका फाइनल करती है, हुकूमत का उसमें बहुत ही मिनिमम छोटा रोल होता है, लेकिन अगर इस मौके पे अगर रोक लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। और आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब अपना खिताब किया इस्लामाबाद में तो उन्होंने भी इस बात को ओन किया कि पिछला साल जो है वो बड़ा मुश्किल साल था और कौमों में मुश्किल साल आते हैं, लेकिन जो 2020 है इस पर हमें पुर उम्मीद होना चाहिए और इकॉनमी की सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर होगी। और इसमें खुश आइन बात आज ये है कि आज की जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंक्रीजमेंट हुई है, बेहतरी आई है, तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जो है इस साल पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की जो न सिर्फ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन बल्कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी एक मट्टी के तेल खरीदने वाले को क्या बेहतरी दे सकती है। अगर नेप्रा की बात करें तो नेप्रा ने तो कराची के लिए बिजली की जो प्राइस है उसमें 4 रुपए और 87 पैसे के इजाफे की सिफारिश कर दी है, और जिसके बाद एक यूनिट जो है वो 18 रुपए का हो जाएगा। तो और इसके अलावा नेप्रा जो है वो पर यूनिट प्राइस हाइक वैसे ही कर चुका है 1 रुपए 56 पैसे की। तो ये जो सारफीन है कंज्यूमर्स हैं उन पर तो 14 अरब आप जो है रुपए का बोझ डाल रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आम आदमी इतनी महंगाई कैसे बर्दाश्त करेगा, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा जो तेल है, तो ये घर का एक जो बेसिक यूनिट है, जो घर का बेसिक खर्चा है वो कैसे अफोर्ड करेगा? देखिए प्राइम मिनिस्टर की आपने खुद जो स्पीच सुनी और बल्कि आपने शुरू में जो चलाई, उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि महंगाई का जो इम्पैक्ट है और चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बड़ी हैं, लेकिन दो चीज़ें थी, या तो मुल्क की इकॉनमी थी, उनको मुल्क की इकॉनमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना था या मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाना था। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में मुश्किल फैसले किए और मुश्किल फैसले का जो बोझ है ये भी एक हकीकत है, इसको नहीं किया जा सकता कि उनका जो इंपैक्ट है उसका जो बोझ है वो आवाम पे पड़ा, लेकिन कम से कम इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाने के इंडिकेटर्स आने शुरू हो गए। अगर मुल्क जो है दिवालिया की तरफ जाता, अगर इन चीजों को कंट्रोल ना किया जाता, इन चीजों में सब्सिडी ठीक। फैसल हयात खान साहब आपकी जानिब हम आएंगे, हम यहाँ पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो हम आपका फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपका व्यू लेना चाहेंगे। ये जो करंट सिनेरियो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें वजीर आजम बड़ी उम्मीद दिलाते हुए नजर आए हैं पहले साल के पहले दिन के खिताब में, बट एट द सेम टाइम अगर रियालिटी ऑन ग्राउंड देखी जाए तो हमारे सामने जो पेट्रोल प्राइस हाइक है वो उसमें 2.61 रुपए पर लीटर का इजाफा हो चुका है, यही डीजल में भी इजाफा है। नेप्रा की अगर बात कर ली जाए तो बिजली में 1 रुपए और 56 पैसे का इजाफा हो चुका है, जबकि नेप्रा ने कराची के लिए जो कीमत है वो 4 रुपए 87 पैसे के इजाफे की सिफारिश की है, जिसके बाद एक यूनिट 18 रुपए का हो जाएगा। तो अब ये रियलिटी जो ग्राउंड्स पर है वो हमारे सामने ये प्राइस हाइक्स है, लेकिन वजीर आजम हमें अच्छाई की उम्मीद दिला रहे हैं, तो आप क्या फरमाइएगा, रियलिटी में क्या नजर आ रहा है आपको कमिंग ईयर में? जी, महंगाई का जो पाकिस्तान में मसला है वो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि
جو ضروری اشیاء تھیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے وجہ سے عام عوام کی زندگی جو ہے وہ بہت جیرن رہی اور آگے بھی کتنا عرصہ رہے گی، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ریکارڈ مہنگائی کا آپ تناسب دیکھیں تو دسمبر جو تھا وہ 12% سے تھوڑا سا زیادہ ہوا اور پچھلے 6 مہینے اس مالی سال کے ایوریج 11.6% پہ رہا۔ اب اس کا تعلق کیا فورن پیمنٹس کے ساتھ تھا یا اس کے کچھ اور محرکات بھی تھے؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ دراصل بہت سی باتوں میں جو ہے وہ صحیح صورتحال سامنے نہیں لائی جاتی۔ مثال کے طور پر جو ضروری خوردنی اشیاء ہیں وہاں ایگریکلچر تو کی پیمنٹ تو فورن میں نہیں ہوتی، مگر چونکہ ہم نے بہت زیادہ ٹیکسز جو تھے وہ ان کی انپٹس پہ لگا دیے، فرٹیلائزرز کے اوپر ہم نے سیل ٹیکس 17% کیا، جو شعبے جہاں ہم نے زیرو ٹیکس رکھے ہوئے تھے تاکہ جو آگے اس سے انڈسٹری چلنے والی ہیں جیسے ٹیکسٹائل تھا، تو زیادہ خرابی جو ہوئی ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک تو ٹیکسوں کے نظام کو درست نہیں کیا گیا، دوسرا جو ہمارے یوٹیلیٹیز تھیں یعنی کہ سوئی گیس تھی، بجلی تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور تیسرا ظاہر ہے کہ پٹرولیم پروڈکٹس باہر سے امپورٹ ہوئی ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو بار بیرل قیمت رہی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ مڈل ایسٹ جو تھا وہ زیادہ ڈی اسٹیبلائز رہا، مگر ہم چونکہ اس میں بہت زیادہ ٹیکسز ڈال کر اس کو اگر آپ دیکھیں تو پر لیٹر کے اندر ٹیکسز جو ہیں اور اگر اس میں پٹرولیم لیوی بھی شامل کر لی جائے تو وہ 40 سے 42% ہو جاتا ہے۔ تو محض حکومت کا یہ کہنا کہ ہم نے جو ہے وہ مہنگائی خود نہیں کی، خود بخود ہو گئی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ طبقات جن پہ آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، مارکیٹس کے اندر لوگ ہورڈنگ کر لیتے ہیں، قیمتیں جو ہیں اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، مگر مجموعی طور پر یہ ایک طرف اکنامکس میں بیڈ گورننس تھی اور دوسری طرف وہ ادراک نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ چیلنجز ہوں گے تو ان کے لیے کیا پلانز ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ٹماٹر 17 روپے کے اگر وزیر خزانہ صاحب کو مل رہے ہوں اور لوگوں کو 250-300 زمانے میں، تو ٹماٹر کی تو اگر آپ کے ہاں نہیں تھا تو کہاں سے امپورٹ ہونی تھی؟ انڈیا سے بند ہو جانے کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کرائسس آئے گا، اس سے پہلے کیسے نپٹنا ہے؟ گندم آپ کی جو ہے پہلے سے مینج کیا جاتا، ملین آف ٹن ضائع ہو رہی ہے، اس کو آپ ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لطیف صاحب کی جانب جائیں گے اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہو۔ شاہد لطیف صاحب، اکرام الحق صاحب، آپ کا پرسپیکٹو آ گیا۔ شاہد لطیف صاحب، ہم آپ کو بالکل جو کرنٹ ہمارے سامنے پرائس ہائکس ہیں ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایک جو عام شخص کے لیے اپنی جو بیسک یوٹیلیٹیز ہیں گھر کی اس کو چلانے کے لیے اگر بات کی جائے تو اس وقت جو گیس کا آلٹرنیٹو ایل پی جی ہے اس کی پرائس میں 24 روپے پر کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کی وجہ سے جو ایک گھریلو سلینڈر ہوتا ہے، گیس سلینڈر ہوتا ہے، اس کی پرائس 278 روپیز تک اوپر گئی ہے، مہنگا ہوا ہے۔ اب ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں جو موسم کا حال ہے اس وقت، جو سردیاں ہیں اس میں ایک تو گیس نہیں مل رہی اور پھر جو سلینڈر جس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے، اور یہ ویری بیسک یوٹیلیٹیز آف لائف ہے کسی بھی ایک عام گھرانے کی۔ تو اب ان کے بغیر ایک عام آدمی کا گزارا، اگر ان کے ساتھ اس آدمی نے افورڈیبلٹی دیکھنی ہے تو وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر طور پر گزار پائے گا جبکہ ہمیں امیدیں دلائی جا رہی ہیں اس آنے والے سال کی شروعات پر؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، اس حکومت نے ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ کون سا شعبہ ہے جہاں آپ کو قیمتیں اس معیار تک نظر آتی ہیں جو ایک عام آدمی اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ریلیف دینا تو اور بات ہے، مگر کم از کم یہ کیا ہوا کہ گیس بھی بڑھا دو، بجلی بھی بڑھا دو، پٹرول بھی بڑھا دو، تو مہنگائی کہاں جائے گی؟ ان چیزوں کی وجہ سے عام اشیاء جو ہیں، اشیاء خوردنی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کی قیمت آسمانوں کو چھوتی ہے۔ تو کیا یہ حکومت کو احساس نہیں؟ یہ حکومت میں جو ہی آپ پہنچتے ہیں آپ کسی اور خلا میں چلے جاتے ہیں، کسی اور پلانٹ میں جا بیٹھتے ہیں۔ پر آپ نکلے نہ باہر، لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کھانا پینا دشوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ آپ نے ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دی۔ اس کی جب تک آپ ہنگامی احتیاط نہیں کریں گے طور پر، یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مہنگائی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، وہ اس لیے کہ اکانومی کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کے اندر یہ تجارت اور ان چیزوں کو
इतना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, आपकी जो पॉलिसीज हैं कहने इदादो शुमार तो बहुत अच्छे आते हैं कि जी खसारे कम हो गए और आवाम दोस्त माहौल पैदा कर लिया गया। कैट कहा जा रहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हिस्टोरिकल कम हुआ है जी। राइट, ये जो मिथ है ये भी समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि फैसल हयात खान साहब, आपने यहाँ पर दोनों मौजूद एनालिस्ट की बात सुनी है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो अगर हम आपको थोड़ा सा क्विकली ब्रीफ करें तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इस साल में 16 खरब 60 अरब के जो गर्दिशी कर्जे हैं सर्कुलर डेट उसके साथ दाखिल हो रही है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बिजली के जो प्राइसेस थे वो 12.5 से 30% तक जो है उनमें इजाफा हुआ है। फिर जो गैस टैरिफ है उसमें 136% जो है वो इजाफा 2019 में किया गया था और अब ओगरा ने 214% मजीद इजाफे की तजवीज कर दी है। बिजली की प्राइसेस जो है ये भी कहा जा रहा है अगर देखा जाए एनालाइज करें तो जो मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था 2016 से 2017 तक उसमें जो टेक्निकलिटीज का लॉस था वो 16% बढ़ा था जिसका रिकवरी 96% रखा गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस रिकवरी को रिकवर करने में नाकाम हुई जिसकी वजह से अब हर साल जो सार्फीन है उन पर 150 बिलियन का इजाफी बोझ जो है आपकी जानिब से डाला जा रहा है। तो ये इसको क्या कहा जाए, क्या इसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाअहली कहा जाए, क्या इसको इदारों की नाअहली कहा जाए जो कि अवाम पर गिराई जा रही है? देखिए, जब आपने इन फिगर्स की बात की तो आप थोड़ा सा इसके पीछे अगर चली जाती तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को जब ये हुकूमत मिली तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने जो है करंट डेफिसिट जो है उसको मिनिमाइज किया है और उस स्टेज पर लेके आए हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में इस तरह बहुत कम हुआ है। और यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है जिसने पिछले साल 4.8 जो है जीडीपी जो पहले 88 पॉइंट समथिंग था उसको नीचे ले आके के 84 पॉइंट समथिंग पे लेके आए हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने ही जब मुल्क संभाला था तो उस वक्त जो है दिवालिया होने के करीब थे और आज जो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की इंडिकेटर्स जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर भी जो है मैगजीन्स इंटरनेशनल मैगजीन लिख रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, मैं इस बात से डिसओन नहीं कर सकता कि महंगाई बढ़ी है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी मैकेनिज्म पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने लेके आना है। और उसका जो उसकी दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के पे जो 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है वो इसलिए दे रही है ताकि कुछ ना कुछ उसका इम्पेक्ट आ सके। एहसास प्रोग्राम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है वो भी इसीलिए किया गया है कि कुछ ना कुछ जो है गरीब लोगों को उसका एहसास दिलवाया जा सके, कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके और जो आर्जी तौर पे पनाह गाहें बनाई जा रही हैं वो भी उन गरीब लोगों के लिए हैं जो कि मैं समझता हूं कि इस सर्दी के अंदर जो है जो लोग सड़कों पे थे सस्टेनेबिलिटी के हद तक देंगे। यहाँ पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो टेक्निकल एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि जो बिजली की प्राइसेस थी उसमें 2019 में 12.5 से लेकर 30% तक जो है वो इजाफा किया जाता है, फिर गैस टैरिफ में जो है 136% इजाफा होता है और अब ओगरा ने इस कमिंग ईयर के लिए 214% मजीद इंक्रीज की जो है सजेशन दे दी है। तो अब ये जो हमारे सामने फिगर्स रखे गए हैं और सामने जो आ रहे हैं कि जो बिजली की प्राइसेस में इजाफा है इसका मेजर रीजन मुस्लिम लीग नून के टेन्योर में 2016 से 2017 तक जो टेक्निकल लॉसेस थे वो 16% ज्यादा हुए थे और उनको रिकवर नहीं किया गया ना उस हकूमत से और ना इस हकूमत से, जिसकी वजह से अब अवाम को जो है इनकी नाअहली कह लें उसका मलबा उनको जो है उठाना पड़ रहा है। देखिए, एक जो बड़ा मसला है वो जो लाइन लॉसेस टेक्निकल और चोरी के हैं, पहले अगर उसकी तरफ तवज्जो दी जाती और जाहिर है कि सिर्फ हम तहरीके इंसाफ को ही इसके लिए मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, मगर हकीकत ये है कि वहाँ पे भी हमने एनर्जी सेक्टर में जो सही स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी वो नहीं की, महंगी बिजली पैदा की क्योंकि बिजली का क्राइसिस ज़रूर था मगर हम रिन्यूएबल की तरफ नहीं गए, हमने जो हाई कॉस्ट वाली जहाँ प्योर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं या गैस
अब जाहिर है गैस की कमी हो जाती है तो आपको जो महंगी गैस है उससे जब आप बिजली पैदा करेंगे या आप पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो देखने का जो मसला था वो ये था कि अगर हाइड्रो की तरफ बहुत अरसा तवज्जो नहीं दी, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर था या उसके बाद 2-10 साल जो था वो हमारे पास जमहूरियत का डेकड रहा, तो किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मगर इस हद तक सिर्फ हम कह सकते हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने कहा था कि उन्होंने हर मसले के लिए एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्लान बना रखा है, मगर हमें उन ये समझ नहीं आई कि उनकी एनर्जी पॉलिसी बनाने वाले जो लोग थे वो इस क्राइसिस से तो वाकिफ ही थे। ऐसी बात तो नहीं थी कि ये एकदम कोई आसमानी आफत उन पे आ गिरी थी। तो वो प्लान जिसके दावे किए जाते थे वो कहाँ थे? और जो वजीरे मोहतरम थे जिनको बहुत दफ़ा ये कहते सुना गया कि हम चोरी रोक कर दिखाएंगे और हम जो है ये लाइन लॉसेस जो हैं इनको भी कम करेंगे, मगर आपने देखा कि जब तक आप बुनियादी असलाहत नहीं करते, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो आपका टैक्स का सेक्टर हो, चाहे आपके वो अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हों, तो भले आप मईशत के बारे में जितनी मर्जी प्रोग्राम और गुफ्तगू करते रहें, आप वो उन्हीं बहरानों में फंसते रहेंगे जिसमें पहली हुकूमतें फंसती रही हैं। आज अगर आपने देखा हो तो एक बहुत ही हमारे सीनियर सहाफ़ी और बहुत जो मईशत को कवर करने में और लिखने में जियाउद्दीन साहब डॉन से उस अरसे से है कि शायद इस वक्त पाकिस्तान में उनसे सीनियर कोई भी नहीं है, उन्होंने बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है तब्दीली वट तब्दीली, और ये जो उनका आर्टिकल है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ना तो इनसे कोई इंतजामी जो मामला थे उसमें कोई बेहतरी आई, ना पॉलिसी लेवल पर और ना ही ऑपरेशनल लेवल पर। जब आप तीनों चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम जो बहुत बड़ी तब्दीली का दावा करते थे, फिर आपको अपनी नाकामी को किसी हद तक मानना ज़रूर चाहिए। ये ठीक है कि $12 बिलियन का जो बहुत बड़ा खसारा था उसको कम करने के लिए हमने जो है वो UAE गए, हम सऊदी अरेबिया गए, चाइना की मदद हासिल की, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? जाना तो फिर IMF के पास पड़ा और IMF कहता है कि आप सारी सब्सिडीज खत्म करें, बड़े लोग यहाँ पे जो हैं वो सतह गुरबत से नीचे, क्या वो मरें सर्दी से, उनको बिजली इतनी महंगी हो कि वो बिल अदा ना कर सकें। और फिर टैक्सेस लेने के बाद मुझे बताइए लेकिन कि हुकूमत उसके बदले में क्या कोई शायद फ्री लतीफ साहब एजुकेशन, यहाँ हेल्थ, पर वो उनकी जिम्मेदारी है पूरी कर रहे हैं? शायद तो लतीफ क्या साहब आवाम को जी क्या रिलीफ यहाँ पर मिला लाहौर हाई जब इस कोर्ट हुकूमत का मंशूर जो में था हम आपकी 100 दिन जानिब का आएंगे उस पर डॉक्टर भी काम रावत नहीं साहब, हुआ? हम आपकी जानिब आएंगे। शायद लतीफ साहब ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली हमें बताइएगा कि अब लाहौर हाई कोर्ट में जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस हाइक है इसको चैलेंज कर दिया गया है, और ये भी मौकफ इख्तियार किया गया है पटिशन में कि जो ये कीमतों में इजाफे की मंजूरी फेडरल कैबिनेट से नहीं ली गई है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी इसको एक तरह से करार दिया जा रहा है। तो ये और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी ये प्राइस हाइक का केस अदालतों में है तो इस नई प्राइस हाइक को नलिफाइड किया जाए, तो आपको लगता है कि ये नई प्राइस हाइक नलिफाइड हो जाएगी कोर्ट्स की जानिब से? ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि हमें कीमतें भी जो हैं वो तय कराने के लिए अदलिया का रुख करना पड़ता है। ये कैबिनेट किस लिए है? ये इतने सारे वजरा, इतने मशीर, हुकूमत का इतना बड़ा ढांचा, क्या ये जो 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 कीमतें हैं उनका तायुन जो है वो अदालतें क्या करेंगी? फिर आप देखेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान आएंगे कि क्या हम कीमतें तय करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? उनका अपना इतना वजन है, अदालती मामलात हैं, केसेस हैं, मुकदमात हैं, तो ये तो हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ना। और ये इसकी वजह है क्या? क्या कोई पेट्रोलियम के मामलात में क्या कोई दुनिया में इतना बड़ा इजाफा हो गया है कि पाकिस्तान के गरीब लोग जो पहले ही मुश्किल से अपना रोजमर्रा का खाना पीना मुहैया नहीं अपने लिए कर पा रहे, उनके ऊपर आप पेट्रोल का, गैस का, बिजली का इतना बड़ा वजन लाद दें कि वो पहले भी खाने पीने से महरूम है, आप उनकी मजीद कमर तोड़ दें? और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये तहरीके इंसाफ के अपने बयानात हैं कि हम आपको बताएंगे कि जब मुल्क से करप्शन खत्म होगी तो फिर लोगों के लिए वाफर मकदार में चीजें होंगी, लोगों का रहन सहन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हम आपको करके दिखाएंगे। इमरान खान जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने हमें टैक्स के बारे में भी बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, वो किधर हैं जो टैक्स की रकूम आपने जमा करनी थी? टैक्स रिफॉर्म्स एग्जैक्टली अभी तक वो अवेटिंग है।
तो वो अवेटिंग है। और ये 14 अरब रुपए का एक नया बोझ अवाम के ऊपर डाला गया है। नेप्रा ने जो प्राइस हाइक किया बिजली में 1 रुपए और 56 पैसे की सूरत में, ये अवाम किस तरह से उठा पाएगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। हम एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आकर जो पार्लियामेंट सेशन आज हुआ है उसको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे आज जो हम देखते हैं सेनेट सेशन होता है और उसमें पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से बड़े जोश खरोश से तकरीरें की जाती हैं। उनमें से एक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने खिताब किया जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमने मामलात दुरुस्त नहीं किए तो मुस्तकबिल हमारे हाथ से निकल जाएगा, गलतियां सबसे हुई हैं। चाहता हूं कि हुकूमत और अपोजिशन इत्तेफाक राय से इस साल का आगाज करें। हम आपको एग्जैक्टली सुनवा देते हैं, व्हाट डिड ही से टुडे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। आईन के तहत 3 इदारे हैं और पार्लियामेंट अगर आप पॉलिटिकल रियलिटीज को डिनाई कर दें तो फिर 3 है, अगर पॉलिटिकल रियलिटीज को मान लें तो 4 है। देखिए सर, मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि हमारे चारों इदारों को, ये जो चारों इदारे जिनका मैंने तذکرہ किया, बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब ने बात सही की है, आईन के तहत 3 इदारे हैं और हमारे पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो जाहिर डिमांड करती है कि 4 इदारे। मैं समझता ये हूँ कि तमाम जो हमारे इदारे हैं ना तो तमाम मामलात में कसूरवार है और ना ही तमाम मामलात में बेकसूर है। गलतियां हर एक से होती हैं, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, गलतियां अपोजिशन से भी हुई हैं, गलतियां अदलिया में भी हुई होंगी, गलतियां फौज से भी हुई होंगी, लेकिन इन चारों इदारों का पाकिस्तान में अगर हम अपने 22 करोड़ लोग जिनमें से 60% जो हमारे लोग हैं जनाबे चेयरमैन, वो 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, 25 साल का मुल्क है हमारा। अगर आप देखना चाहें, हमारा जो एक इस वक्त जो पहला नुक्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरह से हम पाकिस्तान के इन 25 साल की जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इनको हम बेहतर मुस्तकबिल कैसे दे पाएंगे। अगर हमने अपने मामला दुरुस्त ना किए, अगर हम आपस में दस्तों गिरेबान रहे तो ये मामला तो मुस्तकबिल हाथ से निकल जाएगा। और अगर हमने भी इस वक्त एक कंसेंसस क्रिएट ना किया, और कंसेंसस 100% नहीं हो सकता जनाब चेयरमैन, जाहिर है हम मुख्तलिफ पार्टीज में हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ हमारी जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल नजरियात हैं, 100% कंसेंसस नहीं हुआ करते। जैसा कि आपको भी हमने सुनवाया, फवाद चौधरी साहब ने आज जो खिताब किया है वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तमाम इदारे आपस में दस्तों गरेबा हैं, हर हकूमत और इदारे से गलतियां होती हैं, लेकिन जमहूरियत में कम से कम इत्तेफाक राय जो है, मिनिमम कॉमन ग्राउंड्स की जरूरत होती है, हकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी तलखियां खत्म होनी चाहिए और अहम इश्यूज पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हम आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं, फिर हम हकूमत की जानिब भी जाएंगे। ये जो आज हमने पार्लियामेंट में गुफ्तगू होते हुए देखी है, क्या ये मैच्योरिटी लेवल अब वहां पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी के पिछले पूरे 15 माह हमें एक फुकदान नजर आया? क्या हकूमत और ऑपोजिशन जो है माजी की तलखियों को भुलाकर और जो अहम नेशनल इश्यूज हैं उस पर अब इस नए साल के आगाज में साथ चलने को तैयार कुछ नजर आ रही हैं आपको? जी, नए साल का आगाज तो एक अच्छी तकरीर से हुआ है और मुराद सही साहब और फवाद चौधरी साहब और दूसरे जो रहनुमा थे वो जिस जुबान से, जिस तरीके से पार्लियामान में उन्होंने माहौल को गरमाया हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अब कुछ कमी, और वो उन्होंने इस बात का एहसास भी किया है कि हमें दरअसल जो हमारा असल काम है कि हम लोगों के फ़ायदे के लिए कानून साजी और मामलात के लिए रियासत को चलाने के लिए जहां जहां भी कानून साजी की ज़रूरत है वो करें। और आपने देखा कि एक दिन पहले नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और फिर इनकम टैक्स के और दूसरे जो टैक्स कवानीन है उसके बारे में भी ऑर्डिनेंसेस पे काम चल रहा है, कोई डिबेट हो नहीं रही, अवाम को पता नहीं कि उन जो तब्दीलियां की जा रही हैं उसके नतीजे में क्या रूल ऑफ लॉ कायम होगा, क्या वाकई जो हमारे पार्लियामान के अरकान हैं अब वो खुद पहले अपने आप से आगाज़ करते हुए अपने जो टैक्सेस ड्यू हैं वो सही अदा करेंगे, क्या लोगों के सामने एक मिसाल बनकर अपने आप को पेश कर पाएंगे जिससे बाकी लोग भी जो हैं वो कानून की अमलदारी और पासदारी को मान लें। अब ये बातें तो यहाँ बहुत होती रहती हैं मगर जब अमली तौर पर आता है तो हम हैरान होते हैं
कि जब उनकी हम टैक्स डायरेक्टरी देखते हैं तो यूं लगता है कि सवाए उस छोटी मोटी तनख्वाह के और उनमें से जो बहुत बड़ी अक्सरियत है उसके अलावा उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि देखकर हैरानगी होती है। तो सबसे पहले तो फिर वो यहाँ से शुरू करें। इसका आगाज़ एक दफ़ा असद उमर साहब जब वो वज़ीर ख़जाना बने थे तो उन्होंने ये फरमाया भी था कि हम अपने आप को पहले पार्लिमान के लोग जो हैं वो टैक्स के सामने निज़ाम के सामने एहतसाब के लिए पेश करें। तो खाली बातों से तो बात नहीं बनेगी, वाकई ही मिसाल बनना पड़ेगा। तो फिर कल पहले तो फवाद चौधरी साहब और जितने भी कैबिनेट के लोग हैं वो ये लोगों को बताएं कि जो उन्होंने टैक्स में अपनी आमदन दिखाई है और जो उनके जिंदगी का मियार है उसके दरमियान आपस में कोई मुताबकत है। जब वो फैसल हयात खान साहब, अब ये पहला नया साल का पहला दिन और आज जो सेशन हमारे सामने हो रहे हैं पार्लियामेंट में, उसमें जो ये एक ग्रैंड कंसेंसस या मिनिमम कॉमन ग्राउंड्स की बात की गई है, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन, अकाउंटेबिलिटी और आर्मी एक्ट पर हुकूमत और अपोजिशन को एक इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि इन मामलात पर ये इत्तेफाक राय कंसेंसस जो है पैदा ना होना, इसमें असल रुकावट थी किसकी जानिब से? चौधरी फवाद साहब ने जो सेनेट में बात की, न सिर्फ चौधरी फवाद साहब ने, सेनेटर फैसल साहब ने और बाकी अपोजिशन के कुछ लोगों ने भी जो आज सेनेट में बात की, बड़ी पॉजिटिव और मुस्बत बात थी। और हर मैं समझता हूँ हर शख्स ने जब इस सेशन को देखा तो वो इस बात पे खुश हुआ कि आज जो सेशन में मैच्योरिटी की बात की जा रही है, आज सेशन में जो बातें हुई हैं इससे इस बात का इदराक है हर पॉलिटिशियंस को कि लेजिस्लेशन करना जो है वो न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उतनी ही जिम्मेदारी अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर दोनों जो चाहे गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठने वाले अरकान असम्बली या अपोजिशन पे बैठने वाले जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ असम्बली के सेशन अटेंड करेंगे और लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो चीजें जो है आगे बढ़ेंगी। और फवाद साहब ने उन चीजों की निशानदेही की जो हमें माजी में हमने गलतियां की हैं। आज उन्होंने कहा कि नए साल के आगाज में हमें उन माजी को गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए बल्कि उनमें बेहतरी लेके आनी चाहिए। और जो चार ऑर्डिनेंसेस को आप बिल की शक्ल में असेंबली में लेके आ रहे हैं ये न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आपने ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कि आप इस पर लेजिस्लेशन करें तो उसमें पार्लिमान का लफ्ज है, कहीं भी हुकूमत का लफ्ज ना इस्तेमाल हुआ है ना होता है। तो ये पार्लिमान की जिम्मेदारी बनती है कि लेजिस्लेशन की जाए और ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिससे आने वाले दिनों में आने वाले अदवार में ऐसी जो है गलतियां दोहराने की गुंजाइश ना हो। पता चलेगा जब ये आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। यहाँ पर शाहिद लतीफ साहब, ये जो हमने आपके सामने रखा पिछले अगर 17 मार्च को एनालाइज किया जाए तो उसमें हम बड़ा क्लियर देखते हैं कि जो सियासत थी पार्लियामेंट में वो इश्यूज जो नेशनल इश्यूज है उनकी बजाय जातियात के गिर्द घूमती हुई नजर आई थी, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए जबकि जो नेशनल इश्यूज थे वो टोटली जो है इग्नोर किए गए जिन पर कि असल तवज्जो देने की जरूरत थी और इन्हें सियासत की नजर जो है हमने होता हुआ देखा। अब आज नए साल का पहला दिन और हमारे सामने ग्रैंड कंसेंसस की बात की जा रही है, मिनिमम कॉमन ग्राउंड्स डेवलप करने की बात हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गया, जो दूसरे इलेक्शन कमीशन का फैक्टर हो गया, तो क्या आपको लगता है कि यहां से ऑनवर्ड्स कुछ सेंसिबिलिटी जो है कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी इस नए साल के आगाज पर? देखिए जी, ये बातें तो अच्छी हुई हैं, मसला सिर्फ ये है कि हम बातें अच्छी करते हैं कारकर्दगी उतनी उसके बरक्स होती है। मैं समझता हूँ अब वक्त है इस साल में कम से कम ये अजम करें कौन के सामने कि ये साल कारकर्दगी का होगा, हम कारकर्दगी की तरफ आए। हमने अपने आइडियल ममालक बनाए हुए मुसलमान ममालक में, मसलन हम मलेशिया की मिसालें देते हैं, हम तुर्की की मिसालें देते हैं, वो हमारे आइडियल्स भी हैं, उनके जो रहनुमा हैं, मगर उनको फॉलो भी तो करें ना। जिस तरह उनके मुल्कों ने तरक्की की वो कारकर्दगी की वजह से हुई, तो कारकर्दगी को प्रायोरिटी नंबर वन दें, बातों से नहीं कारकर्दगी से लोग जो हैं वो आपको पहचानेंगे, आपसे मुतमइन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बातें हुई फवाद चौधरी साहब ने जो की कि जी मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है आपस में बनाया जाए, जिन चीज़ों के उन्होंने नाम लिए वो बिल्कुल डूएबल है। मसलन उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत तौसीख की बात की, 6 महीने मिले हैं और ये एक तरह का चैलेंज है पार्लियामेंट के लिए, यानी पार्लियामेंट में लोगों के नुमाइंदे हैं और लोग जो है तवक्को रखते हैं
کہ وہاں جن نمائندگان کو ووٹ دے کر انہوں نے بھیجا وہ ملک کے اور عوام کے مسائل حل کریں گے, مسائل بنائیں گے نہیں, مسائل حل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا معاملہ, چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ, اور یہ اس وقت جو سب سے ہاٹ سبجیکٹ ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن والا معاملہ, جس میں آپس میں ابھی تک اتفاق کو خاص نظر نہیں آیا, یہ ایک ٹیسٹ کیسز ہے میرے مطابق. تو سٹارٹ یہاں سے لیں, ان کو حل کریں, ایک طرح کی یہ مثال بنائیں, پھر لوگوں کو آپ سے کچھ توقع نظر آنی شروع ہو جائے گی جو کہ ابھی تک انہیں نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے جو ہوئی ہے, سال کا آغاز کرنے کے لیے, ابتدا کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ایجنڈا ہے, اس کو لے کر چلیں اور زور اب آپ کارکردگی کی طرف دیں, لوگوں کے سامنے صرف اعداد و شمار سے. لیکن ہم نے ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے یہاں پر شاید لطیف صاحب یہ بھی دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب, انہوں نے جو سینٹ سیشن تھا اس میں پارلیمانی سسٹم کی جو سسپینشن ہے اس کا شکوہ کیا کہ پارلیمانی سسٹم کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. ہم آپ کو ایگزیکٹلی پہلے سنوا دیتے ہیں کہ what did he say today and then we will get back to our discussion. کہ نوٹس کا سوال ہے, پرنٹنگ کا سوال ہے, لہذا اس سیشن کے بھی چار دن جو پارلیمنٹری اکاؤنٹبلٹی حکومت کی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی. اینڈ دین واٹ ہیلپ ہیڈ بروکن آؤٹ کہ کل آپ نے کہیں تو آپ نے 121 ڈیز سے سیشن نہیں بلایا اور کہیں آپ لیس دین 24 آورز کا نوٹس دے کے آپ سیشن بلا رہے ہیں. جی اب یہ جیسا کہ وہ ہمیں رضا ربانی صاحب جو ہیں بڑا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے, وہ کہہ رہے کہ آئین موجود بھی ہے اور معطل بھی ہے, آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے 121 دن تک پارلیمنٹ سیشن کی بات نہیں کی اور اب لیس دین 24 آورز میں جو ہے سیشن کال کر لیا جاتا ہے. تو یہ پھر کس طرح سے دیکھا جائے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ باقاعدہ حکومت سے ناراض بھی نظر آ رہے ہیں. وجہ ہے کہ جس کے تحت حکومت جو ہے اس کے اندر ایک بیلنس نہیں ہو پا رہا, کیونکہ تضادات ہیں. جب آئین کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کو فالو کریں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق جو پارلیمنٹری سیشنز ہیں وہ تو ہونے چاہیے نا, اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے, اس سے کوئی بچت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئین بالا ہے, آئین پر عمل ہونا چاہیے, اور اگر حکومت خود ہی اس سے انحراف کرے گی تو پھر آپ دوسروں کے اوپر اس چیز کا جو ہے وہ اطلاع کیسے کروائیں گے. اس لیے وہ بات جو کر رہے ہیں بجا ہے, یہ باتیں دیکھنے میں نظر شاید ایسے نہیں آتی مگر یہ باتیں بہت بڑی باتیں ہیں. قانون کا اطلاق, آئین کا اطلاق, یہ سارے کا سارا اس کی مثالیں حکومت نے ہی قائم کرنی ہے, اور یہ ساری فگرز ہیں جو باقاعدہ دی جا رہی ہیں کہ آپ 150-151 دن تک سیشن نہیں بلاتے, اور جب بلاتے ہیں تو اتنی تیزی اور جلدی اور عجلت میں بلاتے ہیں کہ جس کا جواز نہیں بنتا. لہٰذا یہ باتیں سوچنے والی ہیں نا, جب تک آپ یہ باتیں سوچیں گے نہیں, ان پر عمل نہیں کریں گے. اسی لیے لیکن ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, جی شاہد لطیف صاحب آپ کا پرسپیکٹو آ گیا یہاں پر, پھر اس یہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہ دینے کا قصور جو ہے یہ کس کا ٹھہرایا جائے گا, حکومت کا یا اپوزیشن کا, کہ پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو کہ ہوتی ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ کیبنٹ کی منظوری سے ہی یا پریزیڈینشل آرڈیننسز کے تھرو ہی معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں, تو پارلیمنٹ میں اس غیر سنجیدگی کی وجہ آخر ہے کون, حکومت یا اپوزیشن؟ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ رسپونڈ کر دیں تو پھر ہم حکومت کا پرسپیکٹو لیں گے. جی دیکھیں, پہلے دن سے سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ وزیر اعظم محترم نے کہا تھا کہ وہ خود کوشچن آنسر سیشن کے لیے آیا کریں گے, پارلیمنٹ کو بہت اہمیت دیں گے اور ایک ایسے جمہوری نظام کا وہ نفاذ فرما دیں گے جس کے اندر آئین کی واقعی بالا دستی ہوگی, اور جب عملی طور پر ابھی جیسے شاہد صاحب فرما رہے تھے جب عملی طور پر باتیں آئیں تو بالکل اس کے الٹ ہوئیں, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, تقریری مقابلے شروع ہو گئے, ایک دوسرے کے بارے میں مڈ سلنگنگ جسے کہتے ہیں, ایسی ایسی زبان اور ایسا ایسا لہجہ اختیار کیا گیا. اس طرح سے تو کوئی کام جو نہیں ہوا, اس کی جتنی بھی وہ ذمہ داری تحریک انصاف اب شفٹ کرنا چاہیں مگر یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے آئین سے بھی انحراف کیا ہے, آرڈیننسز سے
ایشو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ہدایات کے باوجود کہ وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر ایسی کوئی قانون سازی وقتی طور پر بھی نہیں کر سکتے. یہ جو شکوہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, معطل کر دیا گیا ہے, آئین موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا اس پر, آپ لوگ آرڈیننس کے تھرو جو ہے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. دیکھیں آرڈیننس جو ہے یہ بھی قانون جو آئین ہمارا ہے وہ اجازت دیتا ہے تو آرڈیننس آتے ہیں. پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ میں ایک کمپیریزن کیا, اسی طرح پوزیشن کے لوگ جو ہے اعتراضات کر رہے تھے کہ آپ آرڈیننس لے کے آگے, تو وہاں پہ راجہ بشارت صاحب نے پنجاب کے حوالے سے, میں مرکز کی بات نہیں کر رہا, میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا, وہاں کا ایک کمپیریزن دیا گیا. تو کمپیریزن میں ایک سال میں پچھلی حکومت کے مد مقابل ہمارے جو ہے 18 آرڈیننسز آئے, اور جبکہ دوسری جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں وہ 36 تھے. تو یہ بات جو ہے یہ کلیئر بات ہے کہ آرڈیننسز جو ہے وہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اگر آرڈیننس کو جو ہے ود ان اے ڈیز جو ہے جو اس کی لمٹ ہوتی ہے, جو اس کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں, ہاں پارلیمنٹ میں اس کو اگر ویٹ کر لیا جائے, بل لے آ کے اس کو اگر باقاعدہ طور پہ منظور کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. بہت بہت شکریہ فیصل حیات خان صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, شاہد لطیف صاحب, آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ نیا سال اور نیا آغاز کیا واقعی میں پارلیمنٹ کو وہ قدر اور اہمیت ملتی ہوئی نظر آئے گی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, اور کیا تمام جو اپوزیشن اور حکومت ہے وہ آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں گے. یعنی آج کے لیے اتنا ہی, سی آل ٹمارو نائٹ, انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.